RC390 में भी पावर है, ऐसा नहीं है। नहीं ओ भाई, दो ट्रक के बीच से क्या हो गया? तो कैसी ब्यूटी फैमिली, आई होप आप लोग के अंदर मस्त हो गए, मस्त होने चाहिए। जैसे गाइस आप लोग को पता है भाई, नया साल स्टार्ट हो गया है और कुछ ना कुछ जो है भाई इस बार भी जो है नया आने वाला है। जैसे गाइस आप लोग को पता था, मैं जो हूँ ना भाई गया हुआ था दिल्ली, क्योंकि मेरे को चाहिए थी सुपर बाइक और वो सुपर बाइक हो रही है भाई Z900। पहली जो सुपर बाइक मैं ले रहा हूँ वो है Z900 और मैं जो है ना भाई प्री ओन गाड़ी ले रहा हूँ और मैं देख रहा हूँ, गाड़ी ढूंढ रहा हूँ, मेरे को अगर समझ में आती है तो मैं लूँगा। और मैं दिल्ली इसलिए भी गया हुआ था क्योंकि मेरे को गाड़ी लेनी थी। जैसे कि मैं आपको बता दूँ, मैंने दिल्ली में जो है ब्लॉग नहीं शूट किया क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जो है ठंडी थी, और सच बता रहा हूँ यहाँ पे भी ना उससे ज़्यादा ठंडी लग रही। दिल्ली में तो लगी रही थी बट लेकिन यहाँ पे की जो कानपुर की ठंडी है वो भाई नेक्स्ट लेवल है। क्योंकि भाई कोहरा हो रखा है और भाई सामने का ना साइड नंबर वन भी यहाँ से जो है भाई नहीं दिख रहा है। और भाई देखो नीचे जो ना भाई वहाँ पे जो देख सकते हो भाई आग वाग जो है ताप रहा है। हमारा भाई जो ना भाई दिल्ली में गया होता सरस्वती मोटर्स वाले का, जिनका मैंने जो है Z900 देखी है, वहाँ पे जो गाड़ी चली हुई थी वो थी 7300 किलोमीटर जो है चली हुई थी। और भाई उस गाड़ी के जो प्राइस लग रहे थे 7,90,000। मैंने जो है भाई अपना जो है भाई बहुत हॉर्न बजाती है, जो लड़का जो बहुत हॉर्न बजा रहा है भाई, मैंने जो है ना अपना प्राइस जो है भाई 6,00,000 रुपये का मैंने उनसे बोल दिया था, लेकिन भाई 6,00,000 रुपये में जो है बात नहीं बन पा रही थी। और वो गाड़ी में ना भाई एग्जॉस्ट भी नहीं लगा हुआ था, तो मैंने सोचा कि यार वो गाड़ी लेने से अच्छा जो है मतलब कम ईयर्स की ले लूँगा तो ज़्यादा अच्छी रहेगी, उसमें मेरे को जो है एग्जॉस्ट रहेगा और जब तक एग्जॉस्ट लोग गाड़ी तब तक भाई मज़ा नहीं आने वाला। और गाइस मैं जो है ना दिल्ली से जो है एक चीज़ और लेकर के आया हूँ, वो चीज़ जो है मैं आपको जो है दिखाऊंगा जब मैं नीचे जाऊंगा बाइक के पास। वो क्या चीज़ होने वाली है वो सब जो आपको जो है आगे पता ही चल जाएगा भाई, क्योंकि वो है ना मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एक राइडर के लिए। और भाई तुम्हारा भाई सच में अभी जो ना हम जा रहे भाई ना कहीं ना आज जो है ना कहीं जा रहे भाई राइड पर, कहीं ना कहीं तो भाई आज जाएंगे हाईवे में, आज जाएंगे हमने सोच के रखा है। अब खूब स्पीड में भगाएंगे और देखेंगे भाई क्या ठंडी ठंडी हवा आती है कि नहीं आती है। तो फटाफट जो है गाइस नीचे चलते हैं और आपको जो है दिखाते हैं कि आज हम जो है भाई दिल्ली से क्या लेकर के आए हैं। A few moments later. तो भैया देख सकते हो हम जो है ना भाई इस समय नीचे आ चुके हैं और भाई देख सकते हो भाई अपनी बेबी डॉल जो भाई सामने खड़ी, जैसे आप लोगों की गाइस RC390। और भाई देख सकते हो भाई कितनी चिपका है, मैंने एकदम ना चिपका के साइड से ना एकदम इसको खड़ी करी हुई है। और भाई अभी जो है ना इसको भाई बाहर निकालते हैं और यहाँ के लिए जो है लाइट जो है ना भाई चल रही है, इसको ना बंद कर देते हैं और फिर इसको लाइट ऑन करते हैं। अच्छा, और आज जो है ना इसका भाई फर्स्ट स्टार्ट जो है करते हैं, जैसे गियर्स में जो है लगा हुआ है मैंने जो भाई भाई एक दिन बाद जो है ना इसका फर्स्ट स्टार्टअप मैंने करा हुआ है और देख सकते हो भाई। सो होने देते हैं भाई इसको फर्स्ट स्टार्टअप। देख सकते हो भाई अभी जो है ना भाई हम जो है ना भाई बाहर जो है ना भाई अपनी गाड़ी लेके आ चुके हैं और भाई कसम से ना बहुत ज़्यादा ठंडी हो रखी है। और गाइज एक चीज़ आपको बताने जा रहा था, मैं जो ना भाई दिल्ली से ना ये लेकर के आया हूँ वो है ये हैं ग्लव्स, क्योंकि भाई राइडिंग करते वक्त ना भाई ग्लव्स बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है सच में। और भाई ठंडी तो देख ही रहो कितनी ज़्यादा जो है बढ़ चुकी है, कसम से यार बहुत ज़्यादा ठंडी बढ़ चुकी है यार सच में, यार हालत ख़राब हो रखी है। ओए होए होए। सो फर्स्ट टाइम जो है ना आज भाई ग्लव्स पहन करके गाड़ी चलाएंगे और देखते हैं यार कंफर्ट होता है कि नहीं होता है हमको। हाँ यार पहली बार जो है चला रहे हैं इसको पहन करके। ओ हो हो ओ हो कसम से भाई कंफर्ट बहुत है यार ग्लव्स में, लेकिन ब्रेकिंग में भी हमको थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि अभी ना सही से ना बैठ नहीं रही है गाड़ी मेरे हाथ में, मतलब कि सही से ना वो चीज़ नहीं बैठ रही अभी आई थिंक। हाँ भाई अभी थोड़ा सा ना दिक्कत हो रहा है बट लेकिन ये बहुत जल्दी जो है ना दिक्कत दूर हो जाएगी ये वाली। तो भाई अभी और पहले चलते हैं एक बार यार मुकुल, क्या मुकुल से मिल लेते फिर चलते हैं भाई कहीं। ओ ओ खोले कि नहीं खोले, देखो मुकुल भाई खोले हुए अपना भाई देख सकते हो भाई अपने मुकुल भाई। ओहो भाई गटर चेंज हो गया भाई, अपना इंटरनेट कैफे भाई बैनर लग चुका है यहाँ पे और एक देख सकते हो भाई यहाँ से इन लोगों ने जो बंद कर दिया। और भाई मुकुल भाई क्या हालचाल? हाँ भाई दिल्ली से आ गए यार, गाड़ी देख। हाँ यार गाना बंद करो यार कॉपीराइट आएगा नहीं। तो गाइस देख सकते हो भाई अब तो चेकअप गेटअप जो है यहाँ का चेंज हो चुका है, मुकुल भाई ऐसे बैठेगा यहाँ पे हमारा। क्यों अब ये दुकानदार लग रहा है? हाँ अब ये दुकानदार लग रहा है, अब यहाँ कस्टमर आ करके ये चीज थोड़ा सा हटा करके दूसरा कर यहाँ पे पता है क्या लिखाना, अपना इंटरनेट कैफे समझे। हाँ हाँ तो ये सही लग रहा है यार सिस्टम यहाँ पे यार। One hour later. So guys, अभी जो है ना भाई मुकुल के जो है निकल चुके हैं और हवा जो है ना भाई टायर पे है नहीं, सबसे पहले जा रहे हैं हवा चेक कराने। हाँ भाई हनुमान मंदिर जो आ चुके हैं और भाई कसम से भाई अभी जो है ना इतनी ज्यादा एक्साइटमेंट है गाड़ी को लेकर के, क्योंकि भाई गाड़ी जो है ना भाई देख करके आए हैं और देखते हैं भाई कब तक जो है ले पाएंगे। फुल ट्राई है भाई अपना गाड़ी लेने का, सो कोशिश कर रहे हैं भाई
लेकिन भाई सच में गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी कसम से भाई भाई हवा चेक कराते हैं फटाफट जो है ना गाइस यहाँ से जो निकलते हैं। A few moments later भाई हवा जो है ना मैंने गाइस चेक करा दी और मैं जो है ना अभी थोड़ी देर जा रहा हूँ हाईवे में। भाई क्या ठंडी हो रखी है यार कसम से। आज गाइस ग्लव्स पहने हैं ना तो बहुत अच्छा लग रहा है पहन करके यार, फील देखो कितना अच्छा लग रहा है, मतलब ग्लव्स पहनने भी चाहिए। और भाई बहुत जल्दी ना हम भी जो है ना जैकेट वगैरह जो है ना गाइस ले लेंगे भाई, और टाइट टाइट हो रहा है पता नहीं क्यों। हाईवे में गाड़ी चलाएंगे ना तो गाइस वो कर लेंगे यार, ग्लव्स उतार देंगे ना, मेरे को थोड़ा सा ना दिक्कत हो रही है हाईवे पे। ओहो अब चल रहे भाई हाईवे में फुल पावर, 125 पेटी मान लो गाइस। ओहो क्या हो गया, क्या हो गया, तो गाइस रुको दूसरे गियर में आना दो मैं है जाए चल रहे भैया। तो गाइस मदद करते हुए जा रहे हैं आगे। ओहो ग्लास पहनने से ना एक चीज ये हो गया है कि थोड़ी सी ठंडी आवाज होने गाइस कम लग रही है। हारी रोड गाइस RC 390 में भी पावर है, ऐसा नहीं है नहीं। ओ भाई दो ट्रक के बीच से इटावा 138 भाई रोड देखो ये वाली यार। तो भाई ये वाले पेट्रोल पंप से ना तो भाई यू टर्न ले लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा ना मज़ा आ गई, मतलब दिल्ली से होकर कहना भाई, मतलब ये नहीं लग रहा था भाई हमने कुछ चलाया नहीं। और अब जो है ना भाई कम से कम ने कितने किलोमीटर चला लिया, आई थिंक इनको देखने दो भाई, हमने करीबन आए हम 22 किलोमीटर गाइस हम जो है आगे आए, और 22 किलोमीटर जो है यहीं से वापस जाएंगे फुल पावर के साथ। मज़ा आ जाएगा आज तो। कैसी लग रही भाई अपनी RC भाई बताओ देख करके, क्योंकि कुछ टाइम के लिए है भाई, फिर देखते हैं कौन सी गाड़ी आती है अपने पास। हाथ मैंने जो ना आपके मैंने ना ग्लव्स उतार दिए हैं क्योंकि अब जो है ना मैं गाड़ी जो है बिना ग्लव्स के चलाऊंगा। ओहो भाई यूटर्न किधर से लें, यहाँ से यूटर्न आगे यूटर्न होगा, हम पुल से आए थे ना इसीलिए। सो भाई भाई ग्लव्स पहन करके गाड़ी चलाना और बिना ग्लव्स पहन करके गाड़ी चलाने बहुत ज़्यादा फ़र्क है गाइस, सच में बहुत ज़्यादा आपको जो है ना डिफरेंस आएगा। अभी जो है ना पुल के नीचे से जा रहे हैं। हाँ भाई भाई जब आपको ऐसा लगे ना कि आप घर में बैठ करके पागल हो रहे हो तो बस अपनी गाड़ी की चाबी उठाओ और गाड़ी लो और फटाफट जो है ना भाई किसी हाईवे में निकल जाओ, मस्त मज़ा आ जाएगी आपको सच बता रहे हैं। और गाइस अभी जो है ना जाएंगे पहले चाय पियेंगे। ओ भाई सच में यार जब आपको लगे कि आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो तो बस आप अपनी गाड़ी की चाबी उठाओ और भाई आप निकल जाओ यार हाईवे में, बस और कुछ नहीं। जिस दिन आपको लगेगा कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो रहे हो, बस अपनी चाबी लो और बस भाई आप उड़न छू हो जाओ। अरे भाई क्या कर रहा है ये, कहते हैं जब आप मन से राइडिंग कर लो तो आपको जो है अच्छा लगता है बहुत ज़्यादा, यही रीज़न है कि मन की राइडिंग बहुत अच्छी होती है। भाई कानपुर में इतना ट्रैफिक क्यों होता है यार, भगा नहीं पाते यार, कैसे भगाएं बताओ। अच्छा आज थोड़ा सा पुल मिला है, पुल में कौन थोड़ी सी खाली जगह मिल जाएगी। देखो कितने बेवकूफ़ लोग होते हैं यार जो गाड़ी का साइड मिरर ही ऑफ कर रहे थे, पता नहीं क्या चाहिए होता है इनको उससे।
फाइनली गाइस तुम्हारा भाई जो ना बहुत तगड़ी राइड करके आज आया है, मजा आ गया यार। 160 तक गए भाई, उसके आगे ना भाई जा ही नहीं रहे, कोई ना कोई कहीं ना कहीं से जो ना आ जा रहा है, सो उसकी वजह से ना भाई नहीं जा पाए, अदरवाइज ना भाई पक्का जाते 160 तक। लेकिन जो ना भाई इसको टच कर पाई वाले हाईवे में, फिर अगली बार किसी और दिन आएंगे। और अभी पहले जाते हैं चाय पीते भैया, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं जाएंगे यार। तो गाइस तुम्हारा भाई जो है ना वापस आ चुका है, और मैंने ना अभी गाड़ी रोक करके ना भाई सबसे पहले ग्लव्स पहना, क्योंकि मेरे हाथ ना बहुत ज़्यादा ठंडे हो चुके थे भाई सच में, तुम्हें चाय पीने के लिए। सो जगदीश भैया के गाड़ी रोकते हैं और जगदीश भैया ना भाई चाय पीते हैं। भैया एक चाय दे दो। हाँ 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 भाई बहुत ठंडी है यार कसम से। जगदीश भैया क्या हाल है? बढ़िया। देखो जगदीश भैया हमारे एकदम मस्त है। A few moments later. So guys, अभी जो है ना जगदीश भैया के यहाँ से जो है निकल गए। मगर मैं गाइस पुलिस वाले ना चलान वालान काट रहे थे यार लोगों का यार। जय हो बाबा। भाई साहब इतना सब कुछ लेकर के जा रहा है। ओह आ गए क्या? है सेव टू हैप्पी न्यू ईयर। इतना भाई हम देख रहे पता नहीं कौन जोमेटो पिज्जा वाला था, हमने देखा आप इतना ज्यादा सामान लेकर के आ रहे हो, पिज्जा भी लेकर के, पास्ता भी लेकर के आ रहे हो, सारे कोल्ड ड्रिंक भी लेकर के आ रहे हो। लग रहा है मेरे घर एक झटके में सब खड़ी नहीं थी ना। अरे नहीं कोई बात नहीं, अंकल जी खड़ा रहे, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई दिक्कत नहीं होती है। सो गाइस देख सकते हो भाई अभी जो ना एकदम तगड़ी वाली राइड करके आए हैं, और काफी ज्यादा जो है मजा आ गई है सच में। इससे पहले इतनी तगड़ी राइड मैंने नहीं करी थी, क्योंकि मैंने बहुत इतने दिन से मैंने गाड़ी को ना भाई हाईवे में नहीं लेकर के गया था, समझ रहे हो। मतलब आज जो है ना मैंने हिटावा तक जो है, मतलब इटावा से करा अपने कानमला वाले हाईवे से 20-25 किलोमीटर दाबा है, बट लेकिन बहुत जल्दी ना कालपी वाली रोड पकड़ेंगे उसको, और तब इसको भगा के देखेंगे भाई कितनी ज़्यादा जो है आज निकल ली। लेकिन गाड़ी से ना गाइस आज बहुत ज़्यादा निकल ली होगी सच में, इतनी ज़्यादा आज निकल ली ना भाई, नेक्स्ट लेवल वाली आज निकल ली है। सो गाइस क्या करते हैं, इसी के साथ ये वाली वीडियो यहाँ पे एंड करते हैं, मिलते हैं किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए गाइस अपना प्यार सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि तुम्हारा भाई जो है बहुत जल्दी जो सुपर बाइक लेने वाला है, और आप लोगों को तो पता ही चल गया भाई कौन सी ले रहा है, Z900। और गाइस मैं सच बता रहा हूँ, मैं प्लान कर रहा हूँ ना नई या पुरानी दोनों, मतलब नई भी आ सकती है पुरानी भी आ सकती है, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकती है जो मेरे को सही मिल गई। अगर मेरे को अगर पुरानी गाड़ी अगर नहीं सही मिली तो मैं भाई सेकंड हैंड पर जाऊँगा, नहीं मतलब नहीं मिली अगर अगर गाइस मेरे को ना पुरानी गाड़ी नहीं सही मिली तो भाई मैं ना नई गाड़ी ही निकालूंगा Z900। अगर पुरानी सही मिलती है तो मैं लूँगा Z900 पुरानी, लेकिन लूँगा तो भाई अब Z900 क्योंकि कन्फर्म हो चुका है पहली गाड़ी भाई अपनी Z900 होने वाली है। सो मैंने रिवील तो पहले ही कर दिया था और अभी भी कर दे रहा हूँ, देखते हैं गाइस कि कहाँ मिलती है। बाकी अगर वीडियो आपको अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आईफोन वाला लड़का बहुत जल्दी ही हम लोग जो है ना भाई 1,00,000 सब्सक्राइबर जो है टच करने वाले हैं, और मैंने प्लानिंग में बहुत चीज़ें जो है चल रही 1,00,000 सब्सक्राइबर में। सो गाइस अभी तक किसी ने अगर नहीं सब्सक्राइब किया हो तो भाई जा करके रेड कलर का बेल आइकन जो है दबा लेना। तब तक ले गाइस टाटा टेक केयर गुड बाय मेरे दोस्तों मेरे फैमिली मेम्बर्स यूट्यूब वाली।